आज आदिवासी समाज की गौरव साहस का चिन्ह गोंडवाना साम्राज्य की महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी की जयंती है, उन्हें मेरा सच्चा नमन। जय जोहार। लोकनायक टंटिया मामा जी की जय। जय भीम। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, हमुआखा एक छे। आदिवासी नायक भीमा नायक जी, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी, बादल होई जी की विरासत को नमन। माही माता की कृपा से, कालका माता की कृपा से, अमका झमका माता की कृपा से आज मैं यहां आपके बीच आई हूं। यही पास में अमका झमका के दरबार में भगवान कृष्ण ने मां रुक्मिणी जी के साथ लीला रचाई थी। यहां मोहन खेड़ा का श्वेतांबर जैन मंदिर है, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जहां देश भर से लोग आते हैं। ये महाराजा भोज की धरती है, शहीद महाराजा भक्तावर सिंह जी की धरती है, जिन्होंने हमारे पहले स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया। यहीं पर आदिवासी समाज के और हमारे राष्ट्रनायक टंट्या मामा ने हमारी आजादी के लिए बलिदान दिया। यह संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी की धरती है। हमारी आजादी की लड़ाई के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जो धार जिले से मैं कालूराम विरुलकर जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आजादी के बाद संविधान सभा में सदस्य बनकर उन्होंने भारत के संविधान को बनाने में बहुत योगदान दिया। तो ये जो रिश्ता होता है, जो नेता और जनता के बीच में होता है, एक बहुत अनोखा रिश्ता होता है। जैसे मैंने कहा, इस रिश्ते को अगर नेता निष्ठा से सींचता है, काम करके दिखाता है, तो ये रिश्ता मजबूत बनता है। तो एक ऐसा रिश्ता बनता है जैसा इंदिरा जी का आपके साथ था। आजकल परिस्थितियां काफी अलग हो चुकी हैं। हमारी तरह बहुत नेता चुनाव के समय खासतौर से आपके सामने आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, आप सबकी बातें सुनते हैं। मैं भी सुन रही थी आज सुबह, जब मैं उठी मैंने कहा मैं देखती हूँ मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो जो हम कहते हैं वही वो कहते हैं। हम कहते हैं उन्होंने घोटाले किए, वो कहते हैं हमने किए। हम कहते हैं हमने विकास किया, वो कहते हैं उन्होंने किया। हम कहते हैं हमने रोजगार दिलाए, वो कहते हैं उन्होंने दिलाए। तो मैं सोच रही थी कि ये तो भाषण तो सभी सेम कहते हैं, वही भाषण है, तो जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है और इस बीच सच्चाई क्या है। हाँ, मुझे मालूम है। मैं यहां आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है। कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों। कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डलेगा। तो इसमें एक बात जो मैं इससे पहले कह रही थी वह स्पष्ट हो जाती है कि जब एक पार्टी का नेता आपके सामने कुछ कहता है, दूसरा वही चीज लगभग कह के जाता है, तो आपको पता कैसे चलता है कि कौन सच्चाई कह रहा है। पता आपको तब चलेगा जब आप अपने ही अनुभव पर उतरेंगे। आपका अनुभव क्या है, आपका जीवन क्या है,
आपके संघर्ष क्या हैं? क्या महंगाई बढ़ी है पिछले 18 सालों में? बताइए, 10 गुना पिछले 5 सालों में, 3.5 सालों में? जब से इनकी सरकार रही है तब से बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। रोजगार मिले हैं आपको? नहीं। मेरे किसान भाई जो खेती छोड़ के यहाँ आए हैं, बताइए आपका जीवन ज्यादा मुश्किल हुआ है कि ज्यादा आसान? मुश्किल हुआ है। आपको मालूम, आप कह रहे हैं किसानों की आत्महत्या 17,000 में, मैंने अभी एक आंकड़ा सुना कि लगभग 17,000 नवयुवकों ने आत्महत्या की है पिछले 18 सालों में। तो सोचिए कि आपकी सच्चाई आज क्या है। किसी की बातों में मत पड़िए, मैं तो कहती हूं मेरी बातों में भी मत पड़िए, अपनी सच्चाई और अपने अनुभव में पड़िए और उस अनुभव के आधार पर अपना निर्णय लीजिए। आज हम इस देश में खड़े हैं जिस पर हम सबको गर्व है। और गर्व क्यों है? क्योंकि अगर आप आसपास के देशों को देखेंगे तो शायद हमारा एक देश है इन सारे आसपास के देशों में जिस जो आजादी के बाद एक लोकतंत्र माना जाता था और जिसका लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहा है। और ये लोकतंत्र हमारे संविधान में गढ़ा हुआ है। जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा और बनाया उन्होंने जीवन इस देश के लिए दिया। एक नहीं थे, बहुत सारे लोग थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी। और हमें गर्व है आज अपने देश पर जिसके संविधान में लिखा है कि हर जने को समान अधिकार मिलना चाहिए। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने पंचायतों को सत्ता देकर यह अधिकार मजबूत बनाया। आज देखिए आज की परिस्थिति क्या है। आज तमाम पंचायतों को मुश्किलों में डाल दिया है। और जहां हमने पंचायतों के लिए व्यवस्था लागू की, भाजपा सरपंचों के अधिकारों में कटौती ला रही है, आपको कमजोर कर रही है। राज्य भर में आज पटवारी 1 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं। जितने भी काम आपको कराने पड़ते हैं सब काम रुक गए हैं। आप भटकते रहते हैं इधर से उधर। उनकी अपनी मांग है, उनको भी सरकार ने सहायता नहीं दी, वे हड़ताल पर बैठे हैं। ये स्थिति है आज यहाँ की। 18 सालों में 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाने चले तो हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। बच्चों के पोषण का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के एडमिशन का घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला, नौकरियों में घोटाला, धार में यहाँ के डैम के बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ। इससे क्या पता चलता है आपको? आप अगर मेहनत करते हैं खेती में, काम में मेहनत करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं तो किस लिए करते हैं? मेरी बहनें, आप घर पे मेहनत करती हो, सारा घर परिवार संभालती हो, किस लिए करती हो? अपने बच्चों की परवरिश के लिए करती हो ना, अपने बच्चों की के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमसे कुछ ज्यादा ही करें। अगर हम खेती करते हैं हम सोचते हैं कि चलो इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे इसकी और हमारे से बड़ी ज्यादा नौकरी होगी। अगर हम कहीं पे नौकरी करते हैं हम सोचते हैं चलो इसको और पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि हमसे भी ज्यादा कमाएं, हम बूढ़े होंगे हमारी देखभाल करें। यही हमारा मकसद होता है। चाहे जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं सब चाहते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत हो, उनकी तरक्की हो। और जब आप सामने देखते हैं कि चाहे पाठशालाओं में, चाहे भर्ती में, चाहे आपकी नौकरियों में, चाहे कुछ भी हो, हर चीज में घोटाला घोटाला भ्रष्टाचार है, तो कैसे मायूस होते होंगे? तो कैसे आपका दिल मजबूत बने और आप आगे बढ़ते चले जाएं?
जब आपने किसी पर भरोसा किया, आपने अपना पूरा भरोसा एक नेता में डाला, एक पार्टी में डाला, और आपको पता चला कि 3.5 सालों से उससे पहले भी जब इनकी सरकार थी तो सिर्फ भ्रष्टाचार 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 करते रहे। मैं जानती हूं कि आप में से कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि चलो खा रहा है थोड़ा बहुत, उसको खाने दो, हमारा काम तो करे, है कि नहीं। मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सब करते हैं लेकिन कम से कम हमारा काम तो हो रहा है। मैंने बहुत बार कभी सुना है, लेकिन यहां तो परिस्थिति है कि खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, आपका एक काम नहीं हो रहा है। आप अपने बच्चों को पाठशाला भी नहीं भेज सकते ये जानने के बिना कि वहां पे भी भ्रष्टाचार हुआ है। यहां व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहां तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहां पे क्यों नहीं पहुंची? यहां जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ, सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? बताइए।